परमवीर सिंह इन्होंने अनिल देशमुख पर हर माह 100 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाते हुए कुछ लेटर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दिए हैं, जिसके बाद राजनीति में हड़कंप सा मचा हुआ है। इस पूरे घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने नागपुर में पत्र परिषद लेकर अनिल देशमुख इनके गृह मंत्री पद का इस्तीफा मांगा है। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह इन्होंने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर प्रति माह 100 करोड़ की मांग करने का आरोप किया है। इतना ही नहीं तो परमवीर सिंह इन्होंने एक ऐसा लेटर जो इस पूरे प्रकरण में मायना रखता है, ऐसे लेटर को राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्हें भेजा है और गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो राज्य सरकार गृह मंत्री अनिल देशमुख से तत्काल इस्तीफा मांगेगी, लेकिन ऐसा ना होते हुए वरिष्ठ नेता शरद पवार इन्होंने एक बैठक ली थी, जिसमें देशमुख ने गृह मंत्री पद से फिलहाल नहीं हटाने का फैसला किया है, जिससे राजनीति और गर्माई गई है। एक और शरद पवार इन्होंने बैठक लेकर अनिल देशमुख इनका बचाव किया है, तो वहीं नागपुर के प्रेस क्लब में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने पत्र परिषद लेकर इस प्रकरण में आरोपों की बौछार करते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख से तत्काल गृह मंत्री पद का इस्तीफा और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनका भी इस्तीफा मांगा है। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो पूरे राज्य में भाजपा तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी पत्र परिषद में देवेंद्र फडणवीस इन्होंने दी है और इस प्रकरण के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। अंटिलियाच्या प्रकरणामध्ये एपीए वाझे यांच्या अटकेनंतर विविध प्रकारचे जे खुलासे होत आहेत आणि त्यानंतर कालच मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक श्री परमवीर सिंह यांनी पत्राच्या माध्यमातून जो काही खुलासा केला आहे, हे सगळं प्रकरण अत्यंत धक्कादायक, पण अशा प्रकारचा खुलासा करणारे परमवीर सिंह हे पहिले व्यक्ती नाहीत। यापूर्वी महाराष्ट्राचे डीजी श्री सुबोध जयस्वाल यांनीही या संदर्भातला एक रिपोर्ट हा राज्य सरकारला आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे। पोलिसांच्या ट्रान्सफर्समधलं बदल्यांमधलं रॅकेट, पैशाचे एक्सचेंजेस, त्यातली दलाली, या संदर्भातलं संपूर्ण ट्रान्सक्रिप्ट सहित एक रिपोर्ट हा तत्कालीन पोलीस महासंचालक श्री सुबोध जयस्वाल यांनी सादर केला होता। तेव्हाच्या कमिशनर इंटेलिजन्सच्या थ्रू तो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे गेला होता, तो रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांकडनं गृहमंत्र्यांकडे गेला आणि त्याच्यावर कुठलीही पुढची कारवाई झाली नाही। सुबोध जयस्वाल यांच्यासारखा एक प्रामाणिक अधिकारी महाराष्ट्र सोडून केंद्रीय सेवेमध्ये, कारण महाराष्ट्राचं पोलीस महासंचालक पद हे देशातलं एक सगळ्यात महत्त्वाचं पद मानलं जातं, परंतु ते पद सोडून केंद्राच्या सेवेत 1.5 वर्ष असताना 2 वर्ष असताना त्या ठिकाणी निघून गेले। याचं कारणच हे होतं की इतकं भयानक सगळं प्रकरण प्रॉपर चॅनलनी रेकॉर्डवर आणून मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्यानंतर त्याची साधी इन्क्वायरी देखील त्यावेळी शासनाने लावली नाही। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।